जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा ओपनिंग पोल के बारे में। क्या है बिहार का मूड, अब की बार किसकी सरकार, कौन बनाएगा सरकार, तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, बिहार चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। जी हां दोस्तों, बात करने वाले हैं जिलों वाइज सीटों के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर मुख्य पार्टियां आमने सामने होगी। आरजेडी के तेज प्रताप यादव, वहीं जेडीयू के यानी एनडीए के नेता नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम पार्टी के असुविदीन ओवैसी, एलजीपी CPI ML। तो दोस्तों यहां पर गठबंधन है बीजेपी जेडीयू वीआईपी और हम का। वही आरजेडी का गठबंधन है आरजेडी कांग्रेस CPI ML और अन्य पार्टियों में AIMIM LGP और अन्य पार्टियां शामिल की गई हैं। तो दोस्तों देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक करके जिलों वाइज सीटों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपारण की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 सीटों पर बीजेपी, आरजेडी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, AIMIM जैसी पार्टी को यहां पर 0 और अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीहोर की, एक विधानसभा सीट है, एक ही सीट आरजेडी को मिलती नजर आ रही है। तो पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से 6 पर बीजेपी आरजेडी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, AIMIM के पार्टी को यहां पर 0 सीट, अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बिहार की 243 सीटों में से 22 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 11, आरजेडी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, AIMIM पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सीता मंडी की। 8 विधानसभा सीटें, 8 में से यहां पर बीजेपी खाते में 5, आरजेडी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIMIM जैसी पार्टी को यहां पर 0 और अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 5 पर बीजेपी आरजेडी खाते में 4, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सुपौल की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी प्लस, तो आरजेडी प्लस को यहां पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0, AIMIM पार्टी को यहां पर 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 45 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहां पर 24 सीटों पर लीड मार सकती है, आरजेडी खाते में 16, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, AIMIM पार्टी को यहां पर 0 और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट। बात कर लेते हैं अररिया की 6 विधानसभा सीटें, बीजेपी खाते में 2, आरजेडी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। किशनगंज की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, आरजेडी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। पुरुलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 में से 2 पर बीजेपी प्लस, आरजेडी प्लस को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों यहां पर बिहार की 243 सीटों में से 62 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 28, आरजेडी खाते में 24, कांग्रेस पार्टी खाते में 7, AIMIM पार्टी को यहां पर 0, अन्य पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं कटिहार की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 2, आरजेडी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 1, आरजेडी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0, AIMIM पार्टी को भी 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। सरसा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2, आरजेडी प्लस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों यहां पर बिहार की 243 सीटों में से 77 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 33, तो आरजेडी खाते में भी 33, कांग्रेस पार्टी खाते में 8, तो AIMIM का अभी तक खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की, तो यहां पर निकल के आ रहा है दरभंगा की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 6 पर बीजेपी, 4 पर आरजेडी,
कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 4 पर बीजेपी, आरजेडी का तमें 5 सीट, कांग्रेस पार्टी का तमें 2, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी प्लस के खाते में 3 और आरजेडी प्लस के खाते में भी 3, कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 104 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 46 सीटों पर, आरजेडी यहाँ पर 45 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी को 10, एआईएमआईएम पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर सीवान की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 1 पर बीजेपी, आरजेडी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सरण की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से बीजेपी खाते में 2, आरजेडी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। वैशाली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, एआईएमआईएम पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 130 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 54 सीट, 59 सीटों पर आरजेडी बड़ी लीड कर सकती है, तो यहाँ पर आमने सामने रह सकती है, और कांग्रेस पार्टी मिल जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ सबसे ऊपर रहेगी आरजेडी, यानी यूपीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 54 सीटें ही मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 4 पर बीजेपी, आरजेडी खाते में 5 सीटें जा सकती है, तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं खगड़िया की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी प्लस के खाते में 1, आरजेडी प्लस के खाते में 3, कांग्रेस अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 151 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 62, तो आरजेडी खाते में 70 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 16 सीटें, एआईएमआईएम पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर भागलपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, आरजेडी खाते में 3 सीटें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बांका की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर आरजेडी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी प्लस के खाते में 1, आरजेडी के खाते में 2, कांग्रेस, एआईएमआईएम पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं लखीसराय की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर बीजेपी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटें, 1 पर आरजेडी, 1 पर बीजेपी। नालंदा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी का 1 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 170 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, हम आदि पार्टियां यहां पर 70 सीटें जीत सकती हैं, आरजेडी प्लस के खाते में यहां पर 79 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी खाते में 18, एआईएमआईएम के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पटना की। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर 14 विधानसभा सीट है, 14 में से बीजेपी खाते में 6, आरजेडी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। भोजपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 पर बीजेपी, आरजेडी खाते में 5। बक्सर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, आरजेडी प्लस के खाते में 3 सीटें। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से 202 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में यानी जेडीयू और बीजेपी को यहाँ पर 86 सीटें मिल सकती है, आरजेडी को यहाँ पर 93 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें, एआईएमआईएम को यहां पर 0 और अन्य पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रोहतास की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 2, आरजेडी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। अरवल की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, 2, आरजेडी खाते में 1 सीट। कैमूर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट, आरजेडी प्लस के खाते में 2 सीट, एआईएमआईएम पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो दोस्तों यहां पर जबरदस्त लीड के साथ बिहार की 243 सीटों में से 215 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी को यहां पर 90 सीटें और आरजेडी को यहां पर 100 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 21 सीटें, तो अन्य पार्टी को यहां पर 3 सीटें, एआईएमआईएम पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो दोस्तों यहां पर जबरदस्त लीड के साथ बीजेपी को पछाड़ते हुए नजर आ रही है, आरजेडी यहां पर बहुमत प्राप्त करते हुए नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी को मिला देते यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा बिल्कुल पार करती नजर आ रही है आरजेडी।
तो दोस्तों यहाँ पर देखना ये होगा कि आगे क्या होता है आगे के जिलों में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी आरजेडी कांग्रेस को एक एक सीट। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो आरजेडी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। गया की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर आरजेडी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 234 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी जेडीयू प्लस को यहाँ पर 96 सीटें, आरजेडी प्लस के खाते में 110, कांग्रेस प्लस के खाते में 24 सीट, एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी में नवादा की। नवादा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, आरजेडी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। जमुई की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, आरजेडी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से 243 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 100 सीटों पर जीत सकती है। आरजेडी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलाकर यहाँ पर 138 सीटें जीत सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जेडीयू बीजेपी मिलकर 100 सीटें जीत सकते हैं, तो वहीं बीजेपी यहाँ पर 70 सीटें जीत सकती है, जेडीयू की 30 सीटें, वीआईपी यहाँ पर 1 और हम 1 सीट पर जीत सकते हैं। तो वहीं आरजेडी 138 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 25, सीपीएमएल को 15 और आरजेडी अकेले दम पर 98 सीटें जीत सकती है। सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आरजेडी और एआईएमआईएम पार्टी को मात्र 2 सीटें, एलजेपी को 0 और अन्य पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में बदलाव देखने को मिल रहा है, ये सही बात है? हमारे सर्वे द्वारा किए गए इस पोल में सरकार का फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है आज के टाइम में, तो आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों।